हल्दीराम्स को किसी इंट्रोडक्शन की भी जरूरत नहीं है। जब भी हमारे घरों में कोई भी खुशी का मौका आता है तो हमारे पेरेंट्स या फिर इनफैक्ट हम भी सबसे पहले यही बोलते हैं कि मिठाई आएगी तो हल्दीराम के यहाँ से आएगी। तो ये एक नमकीन और स्वीट स्नैक रेस्टोरेंट कंपनी है, जिन लोगों को नहीं पता, जिसका हेडक्वार्टर्स नागपुर में है। एंड इनफैक्ट अगर मैं इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स की बात करूँ तो वो इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में लोकेटेड है, स्टार्टिंग फ्रॉम दिल्ली, नागपुर, गुड़गांव, नोएडा। हर जगह आपको हल्दीराम का नाम जरूर सुनने को मिलेगा। एंड अगर आप इन्हीं एरियाज को बिलोंग करते हैं तो आपको भी पता होगा कि टेस्ट जो है हल्दीराम की नमकीन स्नैक्स का वो काफ़ी अच्छा है। हल्दीराम के खुद के रिटेल चेन स्टोर्स एंड रेस्टोरेंट्स हैं। रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी कैसे लेनी है उसके ऊपर मैं फिर कभी चर्चा करूंगी और फिर कभी एक वीडियो बनाऊंगी, लेकिन इस वीडियो में मेरा फोकस रहने वाला है कि हल्दीराम की डीलरशिप डिस्ट्रीब्यूटरशिप कैसे आपको दिलवाई जाए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। हाय, मेरा नाम है तनु सरदाना। फ्रीडम ऐप बिजनेस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। ये क्या बात हुई कि आप मेरे चैनल पे आते हैं, वीडियो देखते हैं, पसंद भी करते हैं, लेकिन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया? फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि आज हम यहाँ पे हल्दीराम की डीलरशिप की बात करने वाले हैं। हल्दीराम हमारे देश का बहुत ही पुराना ब्रांड है जिसपे काफ़ी लोगों का विश्वास है। इनफैक्ट मैं तो यही बोलूंगी कि ये बिजनेस इसलिए भी रनिंग है, इसलिए भी प्रॉफिटेबल है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर अपना फेथ दिखाया है। विश्वास इंडिया में बहुत बड़ी चीज़ है एंड आई थिंक इसी ट्रस्ट की वजह से ही ये बिजनेस जो है इनका एक्सपैंड कर चुका है बहुत सारा। और एक्सपैंड की जब मैं बात करूँ तो लगभग 400 वैरायटी के स्वीट्स, स्नैक्स, बेवरेजेस, चिप्स, नमकीन की बात यहाँ पे मैं कर रही हूँ। अच्छी बात तो ये है कि जिस बिजनेस को आप फ्यूचर अगर बनाने का सोच रहे हैं उसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। अच्छी चीज़ ये है कि इस प्रोडक्ट की, इस ब्रांड की वैल्यू सिर्फ इंडिया में नहीं है बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो ओवरसीज रहते हैं और उन्हें जब भी अपने देश के लोगों की याद आती है तो वो हल्दीराम की आलू भुजिया खा के बेटर फील करते हैं। आई एम श्योर आपने आलू भुजिया ट्राई की होगी हल्दीराम की। बट बात समझने वाली ये है कि ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। कन्विंस हो गई हो या और ज़्यादा बताऊँ? चलो एक और छोटी सी बात बताती हूँ जो शायद एक आपके लिए, एक बिजनेस ओनर के लिए बहुत बड़ी बात हो। जब सर्वे हुआ था उसके हिसाब से जब बात आती है कि ट्रस्ट एंड फेथ की, तो हल्दीराम को 55th रैंक पे रखा गया है। एंड दिस सेज अ लॉट अबाउट अ ब्रांड, बिकॉज अगर आप किसी ब्रांड की डीलरशिप ले रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि भाई वो बिजनेस कैसा करते हैं, उनकी लोगों के साथ क्या ट्रस्ट वैल्यू है। चलो बहुत ज़्यादा तारीफ हो गई, अब इन्वेस्टमेंट पे आती हूँ जो बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि पैसे हैं तो अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी, राइट? सो अच्छी बात यह है कि इस कंपनी की कि कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं लेती है आपसे लाइक अदर डीलरशिप्स। और अगर मैं टोटल इन्वेस्टमेंट, जिसमें मैं लेबर को भी काउंट कर रही हूँ, हेल्प हो गया, उनकी सैलरीज हो गई, व्हीकल हो गया, गोडाउन शॉप जो भी आप खरीदेंगे उस सबका कॉस्ट मिलाकर कम से कम आपके पास 10 लाख रुपए की नीड होनी चाहिए, 10 लाख रुपए का कैपिटल होना चाहिए। मैंने ज़्यादा ही बोला है लेकिन कम लगेंगे तो आपको ज़्यादा खुशी होगी, इसीलिए मैंने ये प्राइस 10 लाख रुपीज़ रखा है। और इतना कैपिटल आप अपने दिमाग में बना कर रखिए। नाउ सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है भाई स्पेस, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटरशिप की बात हो रही है तो स्पेस की नीड तो पड़ेगी ही, एंड बहुत ज़रूरी चीज़ है इस चीज़ को डिस्कस करना। तो स्पेस के लिए आपके पास 500 स्क्वायर फीट की शॉप या फिर एक गोडाउन होना चाहिए, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। नाउ ये भी आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि आप इस डीलरशिप को कितने बड़े लेवल पर करना चाहते हैं। बड़े लेवल पर करेंगे तो ऑब्वियसली स्पेस की भी ज़्यादा डिमांड आपके पास होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट आपके ज्यादा होगी। अब बात करते हैं कागजों की, मेरा मतलब है डॉक्यूमेंट्स की, कि इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। सो बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं रखा है उन लोगों ने। बहुत ही बेसिक चीजों की जरूरत आपको पड़ने वाली है, जैसे कि वो पर्सनल डिटेल्स के बारे में आपसे पूछेंगे, आपका आधार हो गया, एड्रेस प्रूफ की जरूरत पड़ेगी, या फिर पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास होनी चाहिए, एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, पासबुक होनी चाहिए, ट्रेड लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, GST नंबर, ये हर बिजनेस ओनर की बेसिक नीड है। एंड अगर आपकी स्पेस रेंट पे है तो एक रेंट अग्रीमेंट भी आपको साथ में लगाना पड़ेगा, एंड उसके साथ NOC आपको सबमिट करना होगा। तो बड़े सिंपल से कागज़ हैं, कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स उन्होंने मांगा नहीं है आपसे अभी तक। सो बहुत ही स्मूथली आप इसकी डीलरशिप ले सकते हैं। अब आपके और मेरे फेवरेट टॉपिक पे आते हैं जो है प्रॉफिट की बात। तो 5% प्रॉफिट इनिशियल स्टेज में आपको मिलता है, बट ग्रेजुअली लेट्स से 6 महीने तक आप अच्छे से हल्दीराम्स के लिए काम कर रहे हो तो वो आपको ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का चांस देते हैं, क्योंकि आप उनकी गुड बुक्स में आ जाते हैं। एंड धीरे धीरे बेटर प्रॉफिट्स के साथ साथ डिफरेंट ऑफर्स भी हैं जो वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को देते हैं, तो उसका एडवांटेज भी आप डेफिनेटली उठा सकते हैं, लेकिन आफ्टर अ वाइल, लेट्स से 6 मंथ्स के बाद। इस प्रोसेस को अप्लाई करने के लिए अगेन बहुत ही सिंपल रखा है उन्होंने। ऑनलाइन भी आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट या फिर क्वेरी फॉर्म को फिल कर सकते हैं, एंड विद इन 24 आवर्स ऑफ टाइम आपके पास कॉन्टैक्ट आ जाएगा, उनकी तरफ से एक कॉल आ जाएगी, जो लोकल मैनेजर हैं वहाँ के वो उनसे आपको कनेक्ट कर देंगे।
एरिया सेल्स मैनेजर आपकी प्रॉपर्टी को फर्स्ट टाइम विजिट करेगा एंड इनफैक्ट वो ये भी चेक करेगा कि आपकी लोकेशन के 2 to 3 kilometers के रेडियस में कोई और डिस्ट्रीब्यूटर तो नहीं है। सो इसीलिए मेरा सजेशन आपसे यही है कि जब भी आप गोडाउन या स्पेस देख रहे हैं उसको ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे आसपास कोई और हल्दीराम की डीलरशिप में काम नहीं कर रहा है। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि बिजनेस चाहे कोई भी हो, लोकेशन को आपको बहुत ही स्मार्टली चूज करना है अपने लिए। एंड जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे तो एरिया मैनेजर्स आपको नेक्स्ट प्रोसेस के लिए यहाँ पे गाइड करेंगे। वो आपको रिटेल नेटवर्क से भी इंट्रोड्यूस करा देंगे कि कहाँ पे आपको अपने प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मुझे अच्छी बात हल्दीराम्स की ये भी लगती है कि वो पूरा अपना जो नेटवर्क बेस है वो आपको देने वाले हैं, पूरी आपकी हेल्प करने वाले हैं जब आप उनके डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लोगे। सो ये मैंने कोशिश की थी कि गाइडेड स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन मैं आपको हल्दीराम की डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए दूं। एंड आज के लिए इतना ही। आई विल बी बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग बिजनेस आइडिया। अगर कोई सजेशन आपके पास है इस वीडियो से रिलेटेड या फिर और कोई टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में वो सवाल पूछ सकते हैं या सजेशंस अपने बता सकते हैं। एंड मैं आपको यही बोलूंगी कि आप फ्रीडम ऐप का सपोर्ट लेके एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी बन सकते हैं। देखिए फ्रीडम ऐप पे मल्टीपल कोर्सेज आपको मिल जाएंगे बिजनेस, फार्मिंग और फाइनेंस से रिलेटेड। जो भी आपकी चॉइस है, जो भी आपका गोल है, उस हिसाब से आप अपने कोर्स को चुनिए। नाउ मेंटर्स तो सिखाएंगे ही आपको, लेकिन अब हमारी ऐप पे एक नया फीचर भी आने वाला है जिसमें आप मेंटर्स से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। जो भी बिजनेस से रिलेटेड आपके पास प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, उनको भी अब आप डिस्कस कर सकोगे। ये बहुत ही अमेजिंग बात है एंड प्रॉब्ली कोई और ऐप अभी इंडिया में इस तरीके से पर्सनल अटेंशन लोगों को नहीं देती है, जहां पे कोई भी चैलेंज अगर आपको बिजनेस से रिलेटेड आ रहा है तो वहां पे मेंटर खुद आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। तो मैं आपको यही बोलूंगी कि फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए। कैसे करेंगे? सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक जरूर मेंशन होगा, वहां पे जाइए, चेक कीजिए। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। टिल देन यू टेक केयर, बाय बाय।